हेलो गाइस, मैं अपनी तरफ स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड ज्ञान पे। गाइस, यूट्यूब पे जब भी आप टाइटल लिखते होंगे तो आपको ये वाला फायर इमोजी ऐड करने के लिए अपने टाइटल में नहीं मिल रहा होगा। आपके इमोजी वाले आइकन्स में ये वाला इमोजी आपको नहीं मिल पा रहा होगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि आपको कैसे लगाना है। और गाइस, सचमुच ये इमोजी लगाने के बाद आपके वीडियो का अलग ही इम्प्रेशन बनता है और आपका वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। सो गाइस, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, जब आप किसी भी टाइटल को लिखते हो, जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल एक टाइटल लिख लेता हूँ, सपना चौधरी न्यू सॉन्ग। अब इसमें आपको फायर इमोजी लगाने के बाद इमोजी वाले आइकन में जाने के बाद ऑप्शन में आपको कहीं भी वो वाला फायर इमोजी नहीं मिलेगा, आप भी देखे होंगे। तो गाइस, ये आपको कैसे लगाना है। गाइस, यहाँ पे आपको स्पेस वाले ऑप्शन पे लॉन्ग प्रेस करना है। इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको जी बोर्ड पे ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पे नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे कॉर्नर में, यहाँ पे आपको कॉमा और इमोजी का ऑप्शन दिख रहा होगा छोटा सा, तो इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। इस पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐसा तीन ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। उस ऊपर आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके उस पर छोड़ देना है। उस पर छोड़ने के बाद गाइस, आपके सामने कई प्रकार के नए इमोजीज आ जाएंगे, जिसमें आपको फायर वाला इमोजी भी मिल जाएगा। और आप उसे ना मिले तो आप उसे ढूंढ सकते हैं, नीचे भी थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ से ढूंढा था। तो क्या करना है गाइस, इसको आप अगर लगाते हैं तो आपके वीडियो का अलग ही लुक हो जाता है। आप लोग अपने सामने देख सकते हैं आपका टाइटल कितना इम्प्रेसिव हो चुका है। सो गाइस, आई होप कि इस वीडियो से आपको जानने को मिला होगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। गाइस, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।